कपड़े वाली आ गई, कपड़े वाली कपड़े डिजाइन करा लो। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फाइनली मैं ले आई हूँ अपनी एक और ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो, क्योंकि मुझे आप लोग इतने ज्यादा कॉमेंट रिसीव होते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप लोग मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो इतनी पसंद करते हैं, मैंने लास्ट जो सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड वीडियो शेयर की आपके साथ, उससे आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच। और यस, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यस, मेरी जाके ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो बाकी भी देखें, मेरे ब्लॉग्स भी देखें, उनको भी प्यार दें। मैं अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग की जितनी भी वीडियो है सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। ये डिज़ाइन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये किसी भी मटेरियल बना सकते हैं आप। अगर गर्मी आ रही है लॉन पे बना लें, शिफॉन पे, जॉर्जेट पे, सिल्क पे, किसी भी मटेरियल पे मैं आपके साथ जो शेयरिंग करी वो है डिज़ाइन, ठीक है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी जनाब, ये है फर्स्ट डिज़ाइन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये खद्दड़ पे है, ये टू पीस है जो मैंने लिया था 1400 का, 1400 का, ठीक है। इस तरह से ये इसका प्रिंट है, ठीक है। और इसके साथ जो ट्राउज़र है वो प्लेन है, ट्राउज़र को मैंने इसके साथ ग्रीन के साथ मैच किया था, ठीक है। इस तरह इसका ये गोल गला है, बिल्कुल 1 इंच वाला इसका जो है वो बैन है, साथ इसका ये वी है, ठीक है। और ये फ्रंट पे सारे जो हैं इसके ये बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये देखें, फ्रंट पे बटन्स लगे हुए हैं इसके एंड तक, और ये फिर जाके 10 इंच दामन से लेके यहाँ तक जहाँ पे लास्ट बटन लगा हुआ है यहाँ तक ये ओपन है, 10 इंच का है ये, ठीक है। डन हो गया फ्रंट। और अब चलते हैं इसके बाजुओं की तरफ। बाजू इसके फुल स्लीव्स हैं, जिसके आगे ये क्या कहते हैं, कफ बना हुआ है, और कफ की साइड्स पे ये 2 बटन्स हैं, ठीक है। ये बटन्स मैंने बने बनाए लिए थे गोटी के, और ये आराम से बाजार से जो है ना लेसेस वाली शॉप से मिल जाते हैं। और साथ इसके काज वाला है, ठीक है, ये खुल भी जाता है, इस पर काज बने हुए हैं। चॉक्स पे इस तरह से मैंने इसकी ऑफ वाइट लेस ली है, ठीक है। और ये पूरे साइड्स पे जो है ना फ्रंट दामन पे और चॉक्स पे लगा हुआ है, ये आप देख लें इस तरह से ये लगी है। ये क्रोशिया की लेस मुझे मिली थी जो आराम से शॉप्स पे मिल जाती है, डाइएबल भी होती है, डाई भी हो सकती है, ठीक है। सो ये इसका फ्रंट, ठीक है। और इसका जो घेरा है वो 30 इंच का, क्योंकि ये खुला सा है ज़रा, ठीक है। ये कुर्ता नुमा शेप है इसकी। अब इसके चलते हैं बैक साइड पे। ये खुला होने की वजह ये है कि इसकी बैक साइड पे जो है ना मैंने यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये चेंज का कपड़ा है, और इसके नीचे ये प्लीट्स हैं, 1 2 3 4 5 5 प्लीट्स हैं, जिसकी वजह से ये खुला खुला सा कुर्ता नुमा बन गया, ठीक है। और ये इसका जो दामन है एग्जैक्ट चौड़ा सा है, बैक वाला ज़्यादा और खुला आएगा क्योंकि ऊपर प्लीट्स हैं उसके, ठीक है। और ये इस तरह से इसका सिंपल बैक साइड है इसकी, क्योंकि मैंने लेस जो क्रोशिया की लगाई वो सिर्फ फ्रंट पे लगाई है, ठीक है। ये अच्छा, मुझे ना चौड़ा बैन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए बिल्कुल बारीक वाला मेरा बैन होता है, 1 इंच आधा इंच का, मेरे ख्याल में आधा इंच है या 1 इंच है, मतलब बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। ट्राउज़र जो है वो प्लेन खद्दड़ पे है, ठीक है। और उसका 14 इंच का पांचा है, और उसके एंड पे मैंने लूप्स लगवा दिए हैं, ये इस तरह से इसके लूप्स लगे हुए हैं, से ये छोटे छोटे से। मैं पहन के दिखाती हूँ और फिर चलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। तो ये रही ड्रेस की फाइनल लुक, आप स्लीव्स देख सकते हैं, इस तरह से इसका गला है, और ये ड्रेस की डिटेल्स। और ये बहुत 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 अच्छा लग रहा था पहन के। और इस तरह से ये देखें दामन इसका जो है बिल्कुल चकोर, थोड़ा सा चौड़ा आ रहा है, और ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया था ग्रीन के साथ, मेहंदी ग्रीन कलर के साथ। और यस, मुझे याद ही नहीं रहा कि इसकी पॉकेट्स भी थी, पॉकेट्स में पैसे शैसे डालने पड़ जाते हैं, कभी दिल नहीं करता बैग लेने का, तो मैंने सोचा कि चलो पॉकेट्स आजकल बड़ी हैं ना तो पॉकेट्स बनवाती हूँ, कुछ और डिफरेंट किस्म की भी पॉकेट्स के डिज़ाइन बनवाऊँगी इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि आपको भी ये कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइन पसंद होगा। सबसे पहले तो होता है कि आपने डिज़ाइन क्या बनवाना है, उससे पहले आपने देखना है कि आपका प्रिंट क्या है, आपका कपड़ा क्या है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, फिर उस तरह से आप जो है वो डिज़ाइन उसको सेलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कैसी होगी। मैं कपड़े ले आती हूँ बाज़ार से, और उसके बाद मैं काफ़ी दिन लगाती हूँ उस पर, सोचती हूँ कि मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कैसी करनी है, और ये मुझे इस तरह से पसंद आ रहा था, सिंपल का सिंपल और अच्छा का अच्छा लग रहा था।
नेक्स्ट डिज़ाइन हमारे पास ये है, प्रिंटेड ही है ये भी और खदर मटेरियल है। ये भी मैंने 1400 का फुल सूट लिया था, मतलब प्लेन ट्राउजर है इसका और प्रिंटेड शर्ट है, ठीक है। इस तरह से इसके नेकलाइन बोट शेप गला है और नेकलाइन पे ट्राउजर का कपड़ा लगा हुआ है, ये 30 इंच तक लगा हुआ है, ठीक है। आगे से जाके एंड से ये वी हो गया और बीच में मैंने दो दो बटन्स लगवाए हैं कपड़े के, ठीक है, ये आपको नजर आ रहे होंगे। साथ इसके लूप्स भी हैं, ठीक है, और साइड पे इसके ये बारीक वाली जो गोटी मिलती है डोरी, ये वो लगी हुई है। ये इसके बाजू 3/4 बाजू हैं 18 इंचेस के और इसके फ्रंट पे भी ये डोरी जो है ना, ये आराम से शॉप्स पे मिल जाती है, ये लगाई हुई मैंने 5-5 लाइंस, ठीक है। इसके चॉक्स पे इस तरह से मैंने डोरी लगाई है, ये अंदर की तरफ इस तरह बढ़ा के इसको लगाया बिल्कुल एंड तक, ठीक है। ये इस तरह से आपको ये देखें, ये इस तरह से लगी हुई है, ये सही है। ये यहाँ से 2-2 इंच का, 2.5-2.5 इंच का गैप आ रहा है और फिर ये इस तरह तिरछी होके बिल्कुल स्ट्रेट एंड तक गई हुई है, ठीक है। और एंड से भी यहाँ पे जहाँ पे इसका कॉर्नर मैच होता है वहाँ से स्ट्रेट ये दामन से आ रही है और इधर से भी इस तरह से ये चौक पे जा रही है, ये इस तरह से इसका दामन आ रहा है, सही है, क्लियर हो गया। ये देखें ये, ठीक है, और ये फ्रंट बैक दोनों पे लगी हुई है, ये इस तरह से आके दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। बैक पे भी इसी तरह ही लगी हुई है जैसे फ्रंट पे लगी हुई है। बैक पे गले पे इस तरह से ये मेरे पास मोती पड़े हुए थे पर्ल्स, मैंने ये 3-3 लाइंस लगवा दी इसकी। बैक थोड़ा सा डीप बोट है, ठीक है, एंड दामन एग्जैक्ट सेम है जैसे फ्रंट पे था, ये देखें सही हो गया। प्लेन ट्राउज़र है, ठीक है, और ये नॉर्मल कपड़ी स्टाइल ट्राउज़र है जिसका 7 इंच का पांचा है और ये खद्दर का ही ट्राउज़र है, ठीक है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था कलर कॉम्बिनेशन, तो मैंने ले लिया। सो प्लेन ट्राउज़र, कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी शर्ट पे गोटी वोटी लगी हुई थी और डिज़ाइन था, इसलिए ट्राउज़र मैंने सेम रखवाया। अब आपको जो है वो मैं पहन के दिखाती हूँ। तो ये रही इस नियॉन ड्रेस की फाइनल लुक। अच्छा, मैंने ना कभी भी ये नहीं सोचा कि ये कलर मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा और मैं जो हूँ ये नहीं पहन रही। मैं ना हर तरह का कलर पहनना पसंद करती हूँ और हर कलर जो जब भी मैं पहनती हूँ ना, और उसकी जो है ना डिफरेंट ही ग्लो आता है आपके फेस पे। तो आप लोग भी जो है ना कलर से डरा ना करें, जो कलर दिल में आता है जो अच्छा लगता है जल्दी से ले लिया करें। और ये देखें इस तरह से इसके चौक पर आएगी गोटी, ये देखें क्लोज, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, बड़ा डिसेंट लग रहा था क्योंकि सर्दियों में उस से ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती नहीं है क्योंकि शॉल लेनी होती है, ये स्वेटर पहन लेते हैं, वैसे स्वेटर में मैं बड़ा कंजूसी करती हूँ। और ये रही इसकी बैक साइड, बैक पे पर्ल्स लगवाए थे और मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। अच्छा, मैं ना वीडियो पहन के ज़रा लंबी लगा रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप ही पहन के जब आप वीडियो दिखाती हैं तो वो थोड़ी सी लंबी शूट किया करें, तो मैंने इस दफ़ा लंबी शूट की आप लोगों के कहने पे। तो मुझे जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करके बताना है कि आपको डिज़ाइनिंग कैसी लग रही है और आप और किस तरह की डिज़ाइनिंग देखना पसंद करते हैं, ताकि मैं उस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए और बनाऊँ। ये है नेक्स्ट डिज़ाइन और ये मुझे ड्रेस बहुत 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 पसंद आया था, ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। इसके नेक लाइन पर चलते हैं, ये दो गोटियों की डोरियां, ठीक है, आराम से मिल जाएंगी। और ये चौड़ा गोटा था तो मैंने सोचा ये प्लेन फिरोजी पे है तो उस पर अच्छा लगेगा। और ये मैंने इंस्टाग्राम पे किसी को पहना हुआ देखा था, किसी इंडियन एक्ट्रेस को, तो मैंने इसको कॉपी किया था। उसका शायद सिल्क पे था या वेलवेट पे था, मैंने इसका जो है वो प्लेन जो मरीना होता है उस पर रखवाया है डिज़ाइन। और ये मरीना का सूट मुझे मेरे ख्याल में 1200 का मिला था, ये फुल सूट, ठीक है। अच्छा, जब आपकी लॉन्ग शर्ट होगी ना, जैसे मैं लॉन्ग शर्ट्स पहनती हूँ मोस्टली, तो लॉन्ग शर्ट के लिए आपने बड़े बर वाला कपड़ा लेना है, ठीक है। अगर बड़े बर वाला नहीं है तो उसमें 1 गज़ एक्स्ट्रा ले लीजिएगा ताकि आपकी लेंथ पूरी हो जाए। इस तरह से इसका वी में गोटा लगा हुआ है, स्क्रीन शॉट ले लें जल्दी जल्दी से, ठीक है। अब चलते हैं हम बाजू की तरफ। बाजुओं के आगे भी इस तरह मैंने जो है गोटी एंड दिस चौड़ा गोटा, ठीक है। और ये भी जो गोटी लगी हुई है ना, ये वाली, ये भी यही वाली है जिसको मैंने एंड्स पे लगवाया गोटे के, वरना गोटा सिर्फ ये वाला था, ये वाली गोटी मैंने ये वाली लगवाई है। इसी तरह गले को भी जो मैंने ये एंड पे जो लगी हुई है इसके बॉर्डर्स पे, ये एक ये वाली और एक ये वाली है, ठीक है। अब इसके फ्रंट पे चलते हैं। अब इसका फ्रंट बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, और बस इसके दामन पे जो है वो मैंने गोटी लगवाई है। इसी तरह गोटी गोटा, उसके आसपास वही गोटियाँ और ये एंड पे भी गोटी है, ठीक है। ये इसका दामन आ गया। इसका बैक पे जो है सिर्फ मैंने 2 गोटियाँ लगवाई हैं क्योंकि फ्रंट पे चौड़ा गोटा था, बैक पे सिर्फ 2, और बैक पे और फ्रंट जो है वो गला सेम है डीप वी में, ठीक है। डन हो गया। अब इसके दामन पिछला जो इसकी जो बैक साइड है वो बिल्कुल प्लेन है, ट्राउज़र इसका बिल्कुल प्लेन है,
आठ इंच का पांचा नॉर्मल स्ट्रेट ट्राउजर है और कुछ भी नहीं। और मैं पहन के दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये पहन के कैसे लगता है, ठीक है। तो ये रहा फिरोजी ड्रेस और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था पहना हुआ। अच्छा, इस डिज़ाइन को आप किसी भी कलर के ऊपर बनवा सकते हैं, बस आपने गोटी उस तरह से सिलेक्ट करनी है। गोल्डन या सिल्वर तो हर एक कलर पे जो है ना वो चलता है, और मुझे वैसे ही सॉलिड कलर्स बहुत पसंद है। मोस्टली आपने देखा होगा कि मैं एक कलर के कपड़े पहनती हूँ, प्रिंटेड भी पसंद है लेकिन ज़्यादातर प्लेन ही पहनती हूँ। और ये देखिए, इसका ट्राउजर स्ट्रेट कैप्रीज थी और दामन पे इस तरह से इसका गोटा लगा हुआ था। अब आप लोगों ने मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मुझे पहना हुआ कौन सा अच्छा लग रहा था, और आपको वैसे ओवरऑल कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने सोचा चलो साथ शॉल भी ले लें क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। और खैर, ये रही इसकी फाइनल लुक। और दूसरा, अच्छा मैं ना ये सोच रही थी कि ना मैं इसको वेलवेट पे बनवाऊंगी, फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो, वेलवेट तो सिर्फ लिमिटेड हो जाएगा, महीना डेढ़ ही रह गया सर्दियों को, तो फिर एक चलो मरीना तो आगे तक जो है मार्च अप्रैल तक भी चल जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा वो फद्दड़ वाला जो होता है ना, मोटू वाला वो नहीं है। तो ये रहा इसकी फाइनल लुक। तो जी जनाब, ये है लास्ट डिज़ाइन जो है फ्रॉक, और ये मैंने पूरा सूट लिया था बड़े बस घर वाला कह रही हूँ, बड़े बर वाला 1200 का शायद मिला था, वही मरीना है, ठीक है। और इसका मैंने बनवाया फ्रॉक। सबसे पहले इसकी नेकलाइन देख लें, नेकलाइन पे इस तरह से ये कपड़ा और उसके आसपास ये डोरी मैंने लगवाई है। ये आपको डोरी कहीं से भी मिल जाएगी, ये भी बड़ी मज़ेदार लगती है। ऑरेंज था तो मैंने कहा चलो उसका ब्लैक के साथ जो है कॉम्बिनेशन करते हैं। इसकी जो डोरी है ना, इसकी डोरी में भी हल्का हल्का सा ऑरेंज सा कलर था, तो मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने कहा लगवा लूँ। सिंपल गोल गला छोटा वाला, फ्रंट पे लूप्स लगवाए हैं 7 लूप्स, ये गले की गुलाई, ठीक है, जो अनारकली फ्रॉक्स में मोस्टली बनी होती है। और ये कलियों वाला फ्रॉक है, इस तरह से ये कलियां हैं इसकी, ठीक है। ये यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको, आपने टेलर को दिखाना है तो इजीली वो समझ सकेगा, ठीक है। ये कली यहाँ से ये ज्वाइन हो रही है, सही है। तो ये देखें, ये इसकी कलियां, ये देखें, ये कलियों वाला फ्रॉक है, लॉन्ग फ्रॉक है। इस लेंथ, इस फ्रॉक की जो लेंथ है वो है 45 इंचेस। 5 कलियां फ्रंट पे हैं और 5 ही बैक साइड पे, जिसकी वजह से इसका ये फ्लेयर बना है, ठीक है। और इसका कलियों के अंदर भी लेस लगी हुई है। अब इसके बाजू की तरफ चलते हैं। इसके बाजू प्लेन सिंपल बाजू हैं, चूड़ी वाले, हल्के हल्के सी चूड़ियाँ हैं। मेरे वैसे नॉर्मल जो लॉन्ग फुल स्लीव्स होते हैं वो 22 इंचेस के होते हैं, इसको मैंने 25 इंच का कराया था ताकि हल्की हल्की सी चूड़ियाँ आएँ आगे, तो चुनट बहुत अच्छी लगती है लेकिन लाइट वाली, ठीक है। अब इसकी बैक साइड आपको दिखाती हूँ। बैक साइड बिल्कुल प्लेन है इसकी, सिर्फ कलियां बनी हुई हैं, उसमें मैंने लेस नहीं लगवाई वरना फिर वो ओवर सा हो जाता, ठीक है। ये इस तरह इसकी कलियां और ये बैक बिल्कुल प्लेन। ये इसका बॉक्स ट्राउज़र है, ठीक है, 12 इंच का, बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल, कुछ भी नहीं लगवाया क्योंकि 45-46 इंचेस का ये फ्रॉक है, तो इतना सही नज़र आता है, ठीक है। अभी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सो ये था हमारा लास्ट डिज़ाइन, आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा, पिक्चर ले लीजिएगा। एंड आप चाहें तो यहाँ पे बटन्स भी लगवा सकते हैं, मैंने नहीं लगवाए थे, लगवाना चाहे तो लगवा भी सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। और इसमें मैंने ये ना, उसने बुकरम लगाया टेलर का, पता नहीं मुझे बुकरम से जो है ना नीटनेस नहीं आती, इसलिए मैंने बाकी भी फ्रॉक्स पे कभी नहीं लगवाया। ये पहले ही मैंने ट्राई किया था लेकिन मज़ा नहीं आया शायद, पता नहीं आप देखें इसमें बलबल से आ रहे हैं क्योंकि उसने बुकरम लगाया। खैर, नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या करते हैं इसका। एनीवेज, आई होप आपको ये भी डिज़ाइन पसंद आया होगा। अब चलती हूँ, चल के दिखाती हूँ, आप मुझे पहन के देख लें ताकि आपको इसकी बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए कि पहनावा कैसे लगता है। चलें। तो ये रही इस ड्रेस की फाइनल लुक। मैंने ये अपने एक व्लॉग में पहनी थी और आप लोगों ने मुझे इतने सारे कमेंट्स किए थे कि आप ही प्लीज़ इस ड्रेस की डिटेल्स हमारे साथ शेयर करिएगा, तो मैं आपके साथ जो हूँ इस ड्रेस की डिटेल्स शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है, बिल्कुल लाइट सी चुनटे बाजू के आगे, और इस तरह से ये इसका फ्लेयर है फ्रॉक का, और ट्राउज़र देखे बिल्कुल थोड़ा सा नज़र आ रहा है। और ये पहना हुआ बहुत 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 अच्छा लग रहा था। और ये देखें इसका गला, अच्छा गले के ऊपर मुझे उसके जो वो पड़े हुए थे ना सिलवटें सी, मुझे बुकरम की वजह से वो मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन खैर इससे मैं टेलर से डिस्कस करूँगी कि इसका क्या इलाज हो सकता है। और प्लेन इसकी बैक थी क्योंकि फ्रंट पर ही मैंने डोरी लगवाई थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। डिज़ाइन जब मैंने बनवाया था ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखें इसकी फाइनल लुक, मैंने कहा आपको पूरा भी दिखाई ना, और आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा डिज़ाइन। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकियों के लिए भी हेल्पफुल हो सके।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, बाय।